रेलवे में 2,30,000 पदों पर होगी भर्ती, जानिए कब आएगा नोटिफिकेशन। ये सब दिखाने के साथ साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो भर्ती आने वाली है वो इस महीने में आने वाली है, ठीक है। और ये भी दिखाऊंगा आप सभी को न्यूज जो ऑल इंडिया रेलवे के जो जनरल मैनेजर है विनोद कुमार यादव, उन्होंने एक नोटिफिकेशन हाल ही में एक नोटिस पब्लिश किया है 5 फरवरी को, क्या बोला है उन्होंने, सब कुछ मैं आपको इस डिटेल बताऊंगा। और हाँ, ये भर्ती किस पोस्ट के लिए आने वाली है और आप क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, ये सब भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा A to Z, ठीक है। तो चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और अगर आप अन अकेडमी पर पढ़ते हैं तो वहां पर जितेंद्र कुमार सिंह को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर वे में एग्जाम की तैयारी कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं पहले इसको, यहां पर NDTV इंडिया की तरफ से क्या बताया जा रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखो यहां पर बोला जा रहा है कि बेरोजगारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि रेलवे ने 2,30,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बता दें कि 2,30,000 के नए पदों पर होने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो पता है आपको कि जो 10% लागू हुआ है वो लागू होगा इस बार इस जॉब में, ठीक है। कुल 23,000 पद आर्थिक रूप से कमजोरों लोगों के लिए होगा। यह भर्ती दो फेज में भर्ती होगा। पहला फेज जो है उसमें 1,31,000 भर्ती होगा, 1,31,428 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। यह नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में जारी किया जाएगा, यानी कि इस महीने के मेगा वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और जो बाकी पद है मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूं, जो बाकी पद है आपका यहां पर देखिए, जबकि दूसरे फेज में 99,000 पदों पर भर्ती जो होगा, पहले पद में जो 1,31,000 पद के लिए और दूसरा फेज होगा 99,000 पदों के लिए जो भर्ती है वो मई जून 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो 19 में जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा आपका 1,31,000 का। और ये जो खबर है कुछ दिन पहले पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बात भी बताई थी। तो आप लोग मत बोलिएगा भैया ये फेक न्यूज है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जो विनोद कुमार यादव हैं, जो जनरल मैनेजर है इंडियन रेलवे के, उन्होंने क्या बोला है, अब उनके नोटिस को देखते हैं। और नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है, ये पब्लिश हुआ है 5 फरवरी को। अब नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट तथ्य है इस नोटिफिकेशन में, पहले मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर अब बहुत जन के माइंड में ये आ रहा था कि भैया जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए आने वाला है या क्या। नहीं, यहां पर क्लियर नोटिफिकेशन में आप लास्ट लाइन में जाओगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी जोन है, यहां पर क्लियर बोला गया है कि 14 फरवरी तक आपको सब कुछ सबमिट करना है कि किसमें कितना सीट खाली है। पूरा पद का विश्लेषण होगा कि कहां कहां क्या सीट खाली है। उसके बाद बोला गया है, दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड लेटेस्ट बाय 14 फरवरी, इट मे बी इंश्योर दैट प्रायोरिटी इज गिवन फॉर द कैटेगरी फिल्ड इन थ्रू NTPC ग्रेजुएट, ठीक है। जो NTPC है, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूं, यानी कि आप मान लो ASM हो गया या फिर TC हो गया या फिर आपका गुड्स कार्ड हो गया, बुकिंग क्लर्क हो गया, उनके लिए। उसके बाद बोला गया है NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, यानी NTPC में अंडर ग्रेजुएट यानी जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, 12 पास है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए भी भर्ती आएगी इस 1,31,000 में। उसके बाद पैरामेडिकल लेवल 1 एस नोटिफिकेशन फॉर दिस हैज टू बी इशूड, देखो यहां पर इशूड विद इन दिस मंथ पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा चांसेस है, ये लाइन पढ़ो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस महीने के अंत तक जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो बहुत बड़ा मौका है, ऐसा नहीं है अगर मान लो आपका ग्रुप डी का हुआ, ALP का हुआ, RPF का एग्जाम खराब गया है और आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी लेकिन उतना अपना एफर्ट, अपना बेस्ट नहीं दे पाए हो एग्जाम में, तो एक मौका आपके पास और है। तो अभी जो तैयारी आपने किया था ना, फिर उसको आप रोकिए मत, उसको जारी रखिए, उसको और बेहतर बनाइए ताकि जो भर्ती ये आने वाला है नया वाला, इसमें आप पूरा जान लगा पाओ और बहुत अच्छे से निखर कर आ पाओ, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग भी ये देख पाओ।
पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ पाओ क्या क्या बोला गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। और ये कौन बोला है मैं आपको बता ही चुका हूं, जो विनोद कुमार यादव है, ऑल इंडिया रेलवे जनरल मैनेजर। और ये जो नोटिस है कब आया था, 5 फरवरी को। और आज क्या डेट है, आज डेट है आपका 7। तो आपके लिए अपडेट जो था रेलवे की तरफ से मैंने आपको दे दिया है। तो जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से, उसको रोकिएगा मत, उसको जारी रखिएगा ताकि आप अच्छे से और निखर कर आ पाए। और मान लो जनरल साइंस हुआ, जीके हुआ, अगर आपने 500-600 क्वेश्चन पढ़कर रखे हैं तो उसके क्वांटिटी को और बढ़ाइए, उसको कम से कम 1000-1200-2000 तक ले जाइए, ताकि आपके पास क्वेश्चन का जो कोटा हो ना वो बहुत ज्यादा हो एग्जाम से पहले, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपके पास हो एग्जाम देने से पहले, ठीक है।